लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अंदर कोई है क्या? आज कोनी आए का? कैरिज बीच कोई हैगा? भीतर है क्यों आचे? लड़की? Is anybody there? यार ए का? लड़की? अंदर के रहा है चा? अंदर कोई छे? हाय, ऑल इंडिया परमिट। कुछ जा डिंकी, कुछ जा। लड़कियाँ, आप लोग अंदर कैसे हैं? मैं बताती हूँ। आपके गैरेज का दरवाजा खुला था, उससे। दरवाजा खुला था? ये गुच्छे बंद करना भूल गया होगा। साला गुच्छे का है। क्या बात है? अरे लड़कियां, इनको डराने किसने दिया? देखिए नाराज मत होइए, हम सब एयर होस्टेस हैं। हम एयरपोर्ट ड्यूटी पर जा रहे थे, हमारी वैन खराब हो गई। प्लीज हमारी वैन ठीक कर दीजिए ना। देखिए आपकी वैन किसी और गैरेज में ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती, जाइए यहां से, चलिए। इतनी बारिश में हमें दूसरा गैरेज कहां से मिलेगा? वो मुझे नहीं मालूम, आप कहीं भी जा रहे तो बोलना जाने के लिए। मैं लड़कियों से बात नहीं करता। तो फिर कौन करेगा? भैया तू बात कर। नहीं भैया, ये लोग सचमुच तकलीफ में है, एक दिन अपना उसूल भूलकर इनकी मदद कर दीजिए। एक लगाओ मत। काइंडली हेल्प अस प्लीज। प्लीज भैया। क्या मुसीबत है, तो काम कर, इनकी वैन ठीक कर दे और उनको बोल दोबारा इस गैरेज में नहीं आना। नहीं मैंने जाना, चल। ए दिनो, उनसे कह दे कि आइंदा हमारे गैरेज में नहीं आए, क्योंकि मुझे भी लड़कियां पसंद नहीं आ। चल गुच्छी पानी ले आ। चलिए चलिए, चल संभाल लो। हाय सुनिए, आपका नाम क्या है? तीनों। आप यही रहते हैं? अब तक तो यही रहता हूँ, लेकिन आप जैसे लोग आने लगे तो एड्रेस बदलना पड़ेगा। वैसे इस गैरेज को अपना ही समझिएगा और मुझे भी। कभी भी जरूरत पड़ जाए आ जाइएगा, घर समझ के रह जाइएगा, कहीं अगर भूत से डर जाए तो मुझसे चिपक जाइएगा अपना समझ के। चलिए चलिए, आप लोगों की गाड़ी ठीक हो गई है, चलिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। सुनिए क्या है? थैंक यू। हाँ ठीक है, बाय बाय। ये दिनू एक बात बता, ये वैन इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? भगवान करे इन लोगों की वैन रोज खराब हो जाए। तू लड़कियों को हमेशा मजाक समझता है, कभी दिल तेरा लग गया ना? देख भाई, अभी तक ऐसी लड़की तो आई नहीं जिससे मेरा दिल लग जाए। कितनी खूबसूरत लड़की है, रॉबिन। राधा जी, जो मेरे साथ हुआ है भगवान दुश्मन के साथ भी ना करे। मेरे पैदा होने से पहले मेरे माँ बाप मर गए, मेरी शादी होने से पहले मेरी बीवी मर गई। राधा जी मैं रंडवा हो गया। राधा जी मैं रंडवा हो गया। आमीन। राधा जी, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या, एक फटी पतंग है। इसलिए मैं यहाँ पर आकर भक्तों की सेवा करता हूँ, मन को थोड़ी सी शांति मिल जाती है। जीवन में हादसे तो होते ही रहते हैं। देखो कल हम सब नर्सरी के टीचर्स और बच्चे ड्रामा देखने जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो, दिल बहल जाएगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। तू तू ये क्या कर रहा है? जूते दे रहा हूँ, सेवा कर रहा है ना तू? चलिए संभाल, ये ले। नहीं भाई साहब, नहीं, अरे छोड़ दे, अरे भाई साहब, अरे मैं आओ आओ, तुम दोनों को बरसों से देखता हूँ, तुम लोग आज के ही दिन मंदिर में आते हो, आखिर आज के दिन में ऐसी क्या खास बात है? आज हमारे बड़े भैया का जन्मदिन है,
हम हर साल आज के दिन यहाँ ये प्रार्थना करने आते हैं कि हमारे बड़े भैया का साया हमेशा हमारे सर पर रहे। भगवान तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करे। चल नहीं भैया, भिखारी से ऐसा बर्ताव नहीं करते। ये ले, ये ले, दो रुपए ले, जा जाके खाना खा ले। चल जवानी में भीख मांगते शर्म नहीं आती साले। अरे अरे गुच्छी, जन्मदिन मुबारक हो भैया। ये तोहफा मेरी तरफ से और ये मेरी तरफ से। ला मेरे भाई, क्या है? वाह, अरे ये तो एक जैसे ही है। दिनू, तुझे मेरी तरह पैंट शर्ट खरीदने की क्या जरूरत थी? तूने मुझे खरीदते हुए देखा होगा, तूने मेरी कॉपी की। अरे तूने मेरी कॉपी की है? अरे रे रे, झगड़ा मत करो। क्या है, तुम दोनों के दिलों में मेरे लिए एक जैसा प्यार है ना, इसलिए तोहफे भी एक जैसे उठा लाए तुम लोग। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? आज आपका जन्मदिन है ना, इसलिए मुबारकबाद देने चली आई। हैप्पी बर्थडे। ए दगड़ू, क्या है? जरा देख तो, रोजी जी भैया के लिए क्या लाई है। भैया देखने में क्या जाता है? अरे पैंट शर्ट। रोजी भी बिल्कुल हमारी तरह तो। अरे उसका दिमाग खराब है। हमारे तोहफे एक जैसे हुए तो भैया ने कहा कि हम दोनों का प्यार भैया के लिए एक जैसा है। रोजी भी वही तोहफा लेकर आई। इसका मतलब रोजी का प्यार भी भैया के लिए एक। क्या बोला? नहीं भैया, गलती होगी, मैं उल्टा जा रहा हूँ। हम दोनों का प्यार एक जैसा है, रोजी प्यार नहीं करती। नीचे देख, तू जा, रोजी का तोहफा वापस दे। मैं लड़कियों से बात नहीं करता। मैं देख रहा हूँ, मैं भी लड़कियों से बात नहीं करता। मालूम है दिनों काका, आप मेरा जन्मदिन कभी नहीं भूलते। धर्म बेटा, हम तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं? तुम ही तो हमारे असली मालिक हो बेटा। हम तो फिर कहते हैं, वो घर तुम्हारा है, अपने घर वापस आ जाओ। मैंने उस घर से, उस घर की हर चीज से अपना रिश्ता तोड़ लिया है और अपने भाइयों को लेकर यहां आ गया हूं। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। पर बेटा, मेरी बात मानने की कोशिश तो। काका तीनू आ गया, इन बच्चों के सामने उस घर का कभी जिक्र मत कीजिएगा। अच्छा बेटा, हम चलते हैं, खुश रहो। भैया, भैया ये आदमी कौन है? बचपन से आपके जन्मदिन पर जरूर आता है, कोई रिश्ता है क्या इससे? तीनों, इस दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, मगर फिर भी बहुत गहरे होते हैं। वक्त आएगा तो सब सब बता दूंगा तुझे। रॉबिन, भावना, झूठे मक्कार, कैसे हैं तुम्हारे बच्चे? बच्चे? हाँ, डिंकी ने मुझे सब बता दिया। डिंकी ने तुम्हें झूठ बोला है, मेरे कोई बच्चे बच्चे नहीं है, मैं तो शुद्ध कवारा हूँ। मैंने जिंदगी में किसी बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी, मैं तो खुद जवान पैदा हुआ था। डैडी, ओ डैडी, चलो ना, मम्मी आपको बुला रही है। डैडी, भावना, ये मेरा बच्चा नहीं है। डैडी देखिए ना, ये आदमी मुझे मार रहा है। बच्चे अंदर है ना? हाँ बिठा दिया। अरे रॉबिन, ये रॉबिन को क्या हो गया? आप राधा जी है ना? जी हाँ। ये तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, आप ही का इंतजार कर रहा था। अचानक टीवी का जबरदस्त दौरा पड़ा और बेचारा बेहोश होकर गिर गया। टीबी? हाँ,
बेचारा बेहोश होने से पहले उसकी एक ही इच्छा थी कि उसकी वजह से आप ये ड्रामा मिस ना करें। मैं डिंकी उसका जिगरी दोस्त, चलिए ना ये ड्रामा आप मेरे साथ देख लीजिए रॉबिन की खातिर। राधा राधा राधा। क्या रॉबिन अब इस दुनिया में नहीं रहा? नहीं, अभी तक तो जिंदा है, शायद बच भी सकता है। ये प्रसाद बच्चों में बांट दीजिएगा और उनसे कहिए कि रॉबिन के लिए दुआ करें। कहते हैं कि बच्चों की दुआओं में बहुत असर होता है। कौन से हॉस्पिटल में है बेचारा, क्या मैं उसको जाकर देख सकती हूँ? नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो किसी से नहीं मिल सकता। उसे हॉस्पिटल के काल कोठरी के किसी पिंजरे में रखा गया है। उसके शरीर में टीबी के कीड़े भर गए हैं। डॉक्टर्स कहते हैं वो जिसे भी एक बार देख लेगा उसे भी टीबी हो जाएगी। बेचारा रॉबिन, मुझसे तो उसका हाल देखा नहीं जाता। आपके दिल में अपने दोस्त के लिए कितना दर्द है। मैं रॉबिन को जिंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन अपना कंधा तो दे सकता हूँ और मैं उसे वो जरूर दूंगा। अरे डिंकी तुम, रेनु जी आप यहाँ? हाँ, मैं राधा के साथ यहाँ पेइंग गेस्ट रहती हूँ। वो कैसे हैं? वो कौन? दीनू। दीनू? ओ, अच्छे हैं। ठीक है, तो फिर मैं आज ही उनसे मिलने गैराज आऊंगी। नहीं नहीं रेनु जी, गैराज मत आइएगा वरना दीनू पर आफत आ जाएगी। आप तो जानती हैं बड़े भैया लड़कियों को देखकर ऐसे भड़कते हैं जैसे महंगाई को देखकर गरीब भड़कता है। आप दीनू को मिलिएगा जरूर, लेकिन जरा सोच समझ के। मैं समझ गई, तू जिसकी बात कर रही है उसका नाम दीनू है, सबसे छोटा भाई है, मैकेनिक है और धर्म गैरेज में रहता है। हाय, जब से उसे देखा है रातों की नींद उड़ गई है, हर समय बस उसी की याद सताती है। अरे मैं भी यही चाहती हूँ, अगर तेरा दीनू के साथ चक्कर चल गया ना तो तेरी मदद से मेरा भी धर्म के साथ चक्कर चल सकता है। तू एक काम कर, कल अपनी गाड़ी लेकर उनके गैरेज के बाहर जाकर खड़ी हो जा। जैसे ही दीनू कोई गाड़ी लेकर निकलेगा अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को ठोक देना। आज क्या बॉल बैरिंग दिखता नहीं क्या रे? और निकल। आप? माफ करना, मेरी वजह से आपका नुकसान हो गया, इसके मरम्मत के पैसे ले लीजिएगा मुझसे। नहीं नहीं, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, तुम जाओ। ये कैसे हो सकता है, मैंने आपका नुकसान किया है उसे पूरा किए बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। कहिए मैं आपके गैराज कब आ जाऊँ? नहीं नहीं, हमारे गैरेज बिल्कुल मत आना, मुझे अपने नुकसान के पैसे भी नहीं चाहिए। तुम अपनी गाड़ी किसी और गैरेज में बनवा लेना। किसी और गैराज में? तुम्हें जलन नहीं होगी? जलन? काहे की जलन? मतलब हमारी इतनी पुरानी जान पहचान होते हुए मैं गाड़ी कहीं और बनवा लूं? जान पहचान? मैं तुम्हें कोई जानता बनता नहीं हूँ। हाँ तो अभी जान पहचान कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रेनू है, मैं एयर इंडिया में एयर होस्टेस हूँ। मुझे उम्मीद है मुझसे मिलकर आपको बहुत खुशी हुई होगी। धन्यवाद, अब हो गई जान पहचान, तो कल सुबह मैं गाड़ी लेकर आ जाऊँ? नहीं नहीं, सुबह बिल्कुल नहीं। दोपहर में? दोपहर? भैया से पिटवाओगी क्या? शाम को। देखिए मेरे पास सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक बिल्कुल फुर्सत नहीं है। तो ठीक है, मैं रात को 12 बजे के बाद आ जाती हूँ। अरे तू बाल बना रहा है, ये सैंड लगा रहा है, वो क्या रहा है? अरे दीनू भैया रात के 12 बज गए हैं, लड़की आती ही होगी, जरा स्टाइल में रहना चाहिए ना। अरे बाप रे, ये तो सचमुच आ गई तगड़ू। उसको जाके बोल के मैं यहाँ नहीं हूँ। कुछ ही कुछ जाके भैया को संभाल, अरे वो जाग ना जाए। सुनो जी, दीनू से जाकर कहो रेनू आई है। जी, लेकिन दीनू भैया ने तो कहा है वो इस वक्त गैरेज में नहीं है। अच्छा, अगर वो आए तो अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। तगड़ू, वो चली गई। अरे बाप रे, वाह क्या मर्द हो, एक लड़की से डरकर छुप रहे हो। देखिए रेनू जी, अगर भैया जाग गए तो तूफान खड़ा हो जाएगा। तूफान तो खड़ा हो चुका है और उस तूफान में तुम बुरी तरह से गिर चुके हो। अब जल्दी बाहर आओ और मेरी गाड़ी ठीक करो, वरना भैया तो ऊपर है ना। नहीं नहीं भैया तक नहीं, मैं अभी आपकी गाड़ी देखता हूँ। चलिए, क्या तकलीफ है?
स्टार्ट नहीं मिल रहा है, धक्का मारना पड़ता है। बैटरी थकेली होगी, बदल लो। क्या देख रहा है? चल काम करने को बोलता हूँ तो करता नहीं। चल खोलता हूँ। इसमें कोई गड़बड़ नहीं। अच्छी तरह जाग कर देखो, अंदर बहुत गड़बड़ है। क्या मतलब? नहीं वो, अच्छा तुम्हें कभी सपने आते हैं? सपने? हाँ आते हैं ना। हाँ, किसके? भैया के, डिंकी के, और कभी कभी तो गुच्छी के और डुगडुग के भी आते हैं। क्या मर्द है, जवानी में सपने भी आते तो डिंकी, भैया और डुडुक के। आप क्या पतझड़ के पैदाइश है? पतझड़? आप क्या कवे खाकर पैदा हुई है? कवे? हाँ, जब देखो काए 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 पक 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 टर टर टर। आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, अब जाइए यहाँ से। तुम समझते क्यों नहीं देवदास? कौन देवदास? अरे हर उम्र का एक अपना अंदाज होता है। ये जवानी होती है हंसी मजाक के लिए, हंसी हंसी सपनों के लिए, किसी की चाहत में खुद को भुला देने के लिए। कभी कभी आप कितनी अच्छी बातें करती हैं। एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए ना। ये जवानी में अंगड़ाइयां क्यों आती हैं? लानत है, अंगड़ाई इधर ली और तुम वहां जाकर गिरे। टोटल लॉस। है, क्या सैंडल है? उतारूं क्या? चल है लोफर। ये टिकट्स तुम रख लो। ठीक है। वहां मिलेंगे। ओके बाय। ठीक है। आजकल के बच्चे लोग भी कैसे होते हैं, बूढ़े बाप को अकेले छोड़ देते हैं। अरे ऑटो ऑटो। बाबा जहां भी जाना चाहता है छोड़ देना। भगवान तेरा भला करे। अरे दादाजी। डिंकी तुम कितने नेक और रहम दिल हो। दादाजी मेरे पास तो सिर्फ एक ही चीज है, वो है मेरा चरित्र। हाँ वैसे आप कहाँ जा रही हैं? डिंकी तुम जो हमारे नर्सरी के चैरिटी शो में हिस्सा ले रहे हो, मैं उसकी टिकट्स बेचने जा रही हूँ। चलिए इस नेक काम में मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वैसे भी बड़े भैया कहते हैं एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। रॉबिन, अरे उठ उठ, तूने एक घिरे हुए को उठाया है, भगवान तुझे उठा ले। राधा जी आप दर दर की ठोकरे खा के टिकट्स बेचे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप एक काम कीजिए, ये सारे टिकट्स मेरे ऑफिस पहुंचा दीजिए, मैं सब खरीद लूंगा। अरे नहीं, इतना नहीं राधा जी, मैं इस फंक्शन में हिस्सा भी लूंगा, इस डांस कॉम्पिटिशन में। मगर तुम्हारी तबीयत? तबीयत? रॉबिन से तबीयत के बारे में कुछ मत पूछिएगा। क्या कह रहा तू? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि तू हिस्सा ले, नाच कूद गुलाटी खा कुत्ते की तरह। देखते हैं जीत किसकी होती है, तेरी या मेरी। विलियम तुम अच्छी तरह से समझ लो कि डिंकी डांस कंपटीशन में नहीं पहुंचना चाहिए। आप फिक्र मत करो साहब, डिंकी जिस रास्ते से जाएगा मुझे मालूम है। ये रास्ता तोड़ दो साले की टांगे।
बच्चे जाके कॉम्पिटिशन संभाल में टिंकी को भेजता हूँ। ये मेरा काम है, तू जा। संभाल, तू जा। इंतजार करते करते भैया सो गए। एक काम करते हैं, घड़ी की सुई घुमाकर रात के 11 बजा देते हैं। अंधेरे में भैया को पता भी नहीं चलेगा कि रात के 11 बजे कि सुबह के 6। ठीक है? ठीक है। जागो जी। भैया, भैया उठो भैया। भैया बैठे बैठे सो गए। सुबह होगी क्या? क्या बात कर रहे हैं भैया, अभी तो रात के 11 बजे हैं। 10:30 बजे तो मेरी आंख लगी, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मैं रात भर के सोया हूँ? दिन भर आप काम करके थक जाते हैं ना भैया, इसलिए आपको ऐसा लगता है। रात तो अभी शुरू हुई है। हो सकता है भाई। आधी रात को मुर्गा कैसे बांग दे रहा है? क्या यार गुजी, मस्ती क्यों कर रहा है? तू मस्ती कर रहा है और भैया को ऐसा लग रहा है कि मुर्गा बांग दे रहा है। भैया इसको मुर्गे की आवाज निकालने की आदत हो गई है। गुजी को? हाँ भैया। ये तो बंदर है, गाना भी गाता है। क्या बात करता है? सच्ची बोलता हूँ, ये दुनिया इतनी आगे निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। राम राम भैया। राम राम। आधी रात को गंगा राम क्या कर रहा है वो? अरे गंगवा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, जब तक तेरे दिमाग का इलाज ना हो जाए तब तक झाड़ू देने को मत आया कर। जा सुबह आ जाना, चला आता है रात को। सुबह? सुबह तो हो चुकी है। चुप, चल पतली गली हो जा, ज्यादा बकवास करना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। चल ठीक है। एक मिनट, क्या बात क्या है? अरे भैया बात कुछ नहीं है, उसको नींद में चलने की आदत है भैया। इसको? हाँ, रात को उठ के झाड़ू लेके पूरे मोहल्ले की सफाई कर देता है। इसकी बीवी इसका इलाज करवा रही है, ठीक हो जाएगा। चल जा, तू जा। देख जब तू ठीक हो जाएगा ना फिर आ जाना। आज रात इतना उजाला क्यों है? भैया चांदनी रात है, चांदनी पर्दे के अंदर से छन छन के आ रही है, छन के आ रही है। चल
जाके सो जाओ, ज्यादा छन छन मत करो। भैया गुड नाइट। गुड नाइट। हाय। क्या है, कुछ शर्म है कि नहीं है? एक मिनट भाई, क्या आप बता सकते हैं कि अभी सुबह हुई है या नहीं? मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। यहाँ के किसी रहने वाले से पूछिए आप। अबे ओ गूची के बच्चे, तू मुर्गे की आवाज निकाला था, लगाए क्यों कहते ऐसा?